ATPG, NLSAT, MHCET ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, इन पे हमारा फुल फोकस है। हाउएवर, लेट्स नॉट फॉरगेट अनदर एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छे कॉलेज में उससे हमारा एडमिशन हो सकता है, वो है हमारा AIIT एग्जामिनेशन। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, इससे आपका एडमिशन होता है सिंबायसिस लॉ स्कूल में, जो एक अनदर वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, व्हाट इज द पेपर पैटर्न लाइक, एलिजिबिलिटी क्या है, कब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर 24। हाई गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो सबसे पहले मैंने रिसेंटली ही, जैसा आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, मैंने डाला था एक नेशनल लॉ टीचर्स कॉन्क्लेव जो मनु पात्रा ने ऑर्गेनाइज कराया था, वो मैंने अटेंड किया। एंड वहाँ पर सिम्बाइसिस लॉ स्कूल की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शशिकला गुरपुर, शी वॉज देयर एंड फिनोमिनल पर्सनैलिटी, आई मस्ट टेल यू। मैं बहुत इंस्पायर हुई उनकी बातों से, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि उन्होंने सिम्बाइसिस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एंड आई डू फील कि आई एम श्योर कि वहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है वो भी क्वालिटी एजुकेशन है, चाहे वो नेशनल लॉ स्कूल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। हाउएवर, आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे जो उनकी पेडागॉजी है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिला। एंड आई एम श्योर अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरपुर मैम द इंस्टीट्यूट विल सी वंडर्स इन द कमिंग टाइम। अब आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपका मिनिमम 45% मार्क्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं, एंड ये है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 40% है अगर आप एस सी या एस टी कैटेगरी से हो। तो ये क्लियर आपका डिविजन है कि सिर्फ एस सी एस टी को ही आपका 40% अलाउड है। देन नेक्स्ट इज फीस। फीस इज इम्पॉर्टेंट बिफोर प्रोसीडिंग टू एनीथिंग, लेट अस हैव अ लुक एट द फीस, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है तो उनका जो 3 ईयर स्ट्रक्चर है ऑफ द फीस दैट अमाउंट्स टू 3 लाख एकेडमिक फीस विच इज गिवन पर एनम, तो थोड़ा सा इट इज़ ऑन द हायर साइड बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, तो उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह की फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर मिलती है। देन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम के एप्लीकेशन जो है कहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ये है वेबसाइट, गाइस डू नॉट गेट लॉस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही समझ में नहीं आता कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जाके भरना है, कैसे भरना है। एवरी थिंग इज क्लियर, हर कॉलेज की वेबसाइट पे ये चीज़ें दी हुई होती हैं। वीडियोस के थ्रू हम ऑब्वियसली आपको असिस्ट करते हैं, बट ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये खुद से भी आपको करनी आनी चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग ऑन दीज थिंग्स। तो आपकी ये वेबसाइट ये है, और आपका ये जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पर ऑन रिस्पेक्टिव सेंटर्स। आपका रिटन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरेक्शन होगा। एक बार ज़रा पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं सीधा आ जाती हूँ आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स पे, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन कब, कैसे, कहाँ होने वाला है। तो सीबीटी मोड में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 11 मई को होगा। टाइम आपका यहाँ दिया हुआ है 2 to 3:45 PM, 1 hr 45 minute, इट मीन्स मई में एग्जामिनेशन है। तो यस, अभी हमारे पास टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। मार्च में ऑलरेडी हमारे और एग्जाम्स लाइंड अप हैं, तो पीपल आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जामिनेशंस। तो अभी इस एग्जाम को दिमाग में रखिए, हाउएवर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास। और ये आपका वेन्यू जो है आपके रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे है। पहले एग्जामिनेशन रिमोट प्रॉक्टर्ड बेसिस पे भी हो चुका है। देन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपको फॉर्म फिलिंग की टेंशन है, 12 अप्रैल इज द लास्ट डेट, तब तक आप यहाँ के फॉर्म्स भर सकते हो। इंटरव्यू आपके 19 to 20 मई का ब्रैकेट है विंडो, वहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ इंटरव्यू की ये दो डेट्स हैं, सीट्स भी क्योंकि लिमिटेड हैं, 300 सीट्स हैं यहाँ पर, तो 300 टोटल आपकी सीट्स हैं। अब उसमें भी रिजर्वेशन वगैरह हटा के डिपेंड करता है, तो आई वुडन्ट से कि बहुत ज़्यादा भी सीट यहाँ अवेलेबल हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस दी हुई है एंड इट कैन बी पेड इन अ मैनर विच इज गिवन हियर। वेबसाइट अगेन इज गिवन, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जाम स्ट्रक्चर। जो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा। रिटन सैम्पल, बहुत लोग घबरा जाते हैं सब्जेक्टिव
क्वेश्चन सुन के। हाउ एवर डू नॉट गेट स्केयर्ड, बिकॉज यहाँ पे जो रिटन सैम्पल आता है इट रिलेट्स टू समथिंग यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड। अगर आप एक सीरियस लॉ एस्पिरेंट हो, आप न्यूज़ से अवेयर रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। राइटिंग सैम्पल में आपका 40 मार्क्स का टोटल है, दो क्वेश्चन आएंगे। अभी इसको, ये जो सेग्रीगेशन है, मैंने इसको आगे टेबल फॉर्मेट में क्लियर किया है ताकि समझ में आ सके। आगे कुछ ये चीज पढ़ लेते हैं, देयर विल बी अ टाइम लिमिट टू दी आंसर्स। तो एक बार टाइम लिमिट अप हो जाती है, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी टू चेंज और यू नो गिव द आंसर, बिकॉज योर स्क्रीन विल गेट लॉक्ड। सो आपको ये देखना है कि आंसर्स आपके रिकॉर्ड हो गए हैं ठीक से या नहीं। यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू भी होता है आपका, जो अगेन आपकी ये ट्रेट्स जो हैं ये चेक करे जाते हैं। एंड आपका जो शेड्यूल है यहाँ पर, जैसे हमने बात करी थी 19 to 20 May है, और आपका टाइम 6 to 8 minutes का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा एक कैंडिडेट को फॉर द PI। तो यू नीड टू बी रेडी फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, एंड वहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा इस व्हाट दे हैव रिटन। ये रिटन ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू स्टेज के अलावा फर्दर आपको SOP और LOR भी अपलोड करना पड़ता है। आपने SOP, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है कि आप ये कॉलेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हाउ इट अलाइंस विद योर पर्पस ऑफ लाइफ। एंड ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ये आप किसी भी अपने टीचर प्रोफेसर से ले सकते हो जिनसे एसोसिएटेड हो, जहाँ पर आपकी कंडक्ट कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में डिस्कशन किया हो। एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल में बाद में देने पड़ते हैं। अब एक बार स्कीम समझ लेते हैं एग्जाम की ब्रेक डाउन करके। 65-20-20, व्हाट डज दिस मीन? 65 मिनट्स का आपका हो गया सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ पे आपके राइटिंग सैम्पल जाएंगे। देन यहाँ पर जो आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, उसके लिए 20 मिनट्स हैं। एंड 20 मिनट्स आपके हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पहले ये देखते हैं टोटल मार्क्स आपके 100, नो नेगेटिव मार्किंग, 150 आपके क्वेश्चंस हैं, राइटिंग सैम्पल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, GK एंड करंट अफेयर्स, ये बेसिक एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर दीज 3 स्टेजेस। अब एक बार सिलेबस समझते हैं कैसे तैयारी करनी है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्टिव है उसमें उन्होंने बोला हुआ है आपके सोशल लीगल, पोलिटिकल लीगल, करंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज यहाँ पूछे जाएंगे। तो इट रिलेट्स टू पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू द लॉ, कि क्या चल रहा है। मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ है तो वो पॉलिटिकल लीगल कॉन्सेप्ट हो गया। सोशल लीगल, डाउरी डेथ जैसी चीजें हो गई, देन डेफोमेशन के बारे में अभी जैसे लॉ कमीशन रिपोर्ट आई, तो ये चीजें एक लीगल सोशल लीगल टॉपिक हो गए। तो ये टॉपिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज फर्दर आपको पता होना चाहिए, नए लॉज आए हैं भारतीय न्याय संहिता वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ आपकी कवर हो जाती हैं। आपके दो क्वेश्चन आएंगे, हर वन क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स, तो टोटल 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर हो गया। देन आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वहां पे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका जनरली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, बाकी क्वेश्चंस इन एरियाज से आएंगे। तो ये आपको अपनी स्ट्रेंथन करनी है, आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बेसिक करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसके बारे में, थोड़ी स्टैटिक GK, बहुत डीप में नहीं, जैसे आप SWAT PG वगैरह ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ोगे तो वो चीज़ें यहाँ पर भी आपकी कवर होती हैं। देन साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 मार्क्स का आपका, अब 10 मार्क्स का आपका वेटेज है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको एक ऑर्डर दे दिया जहाँ पे बेसिकली एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं आपकी बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए, और उसमें ऑप्शंस दे देते हैं दैट यू अग्री, यू स्ट्रांगली अग्री, यू स्ट्रांगली डिसअग्री, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन, न्यूट्रल हो आप, तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं एंड यू हैव टू चूज। तो बेसिकली दैट ट्राइज टू जज योर पर्सनैलिटी। देन आपका होता है इंटरव्यू 30 मार्क्स का, जहाँ पे आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स देखे जाएंगे, आप कितने फिट हो फॉर द इंस्टीट्यूट फॉर लॉ एज अ करियर ऑप्शन, ये देखा जाएगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो प्रेफरेबल होगा, ग्लोबल आउटलुक, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, LOR, ये चीज़ें आपकी यहाँ
यहाँ पर फाइनल स्टेज में कंसिडर होती हैं। ऑब्वियसली आपको ये इन स्टेजेस से निकलना होगा टू रीच टू द इंटरव्यू लेवल। तो ये तीनों एग्जामिनेशन साथ में ही होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, साइकोमेट्रिक। ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग अलग डेट्स या डेज असाइन है, ये एग्जामिनेशन आपके साथ में होंगे। सो दैट इज वॉट इज देयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन। मैंने इस एग्जामिनेशन का पेपर नहीं रिलीज होता है, हाउएवर ऑन यूट्यूब आई हैव मेड वीडियोज पर्टिकुलरली ऑन दिस एग्जामिनेशन, जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है पास्ट ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हमारी स्टूडेंट हैं एक, उनका आप इंटरव्यू देख सकते हो, उनकी सक्सेस स्टोरी में भी है और सेपरेटली भी उनके साथ इंटरव्यू किया गया है कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो गाइज गेट ऑन टू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर कर चुके हैं इस एग्जामिनेशन को, एंड इट इज़ नॉट दैट टफ। अगर आप जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एनएलसैट की तैयारी हमारे साथ कर रहे थे बट उनका एआईटी में एडमिशन हो गया, तो क्योंकि थोड़ा ओवरलैप है आपका, यहाँ जो राइटिंग सैंपल आता है, आप ऑलरेडी एनएलसैट में भी बहुत सारा लीगल करंट अफेयर्स ये सब पढ़ रहे होते हो, तो दैट हेल्प्स यू हियर, यू कैन राइट वेल। ऑल दो योर एसे इन एनएलसैट हैज़ नाउ चेंज, आपको क्रिटिकल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखना है, यहाँ पर आपको फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका ओपिनियन बेस्ड यहाँ पर आंसर लिखना होता है। फर्दर करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स और एग्जाम्स में तो कवर हो रही है, एनएलसैट हो, सीयूएटपीटी हो, तो वो सेम यहाँ पर अप्लाई होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट नॉलेज अप्लाइज हियर। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज द इनहेरेंट यू, जिस पे वो देखेंगे। एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी कि कैसा इस पेपर का स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। एंड एआईटी के कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज के लिए भी बोल रहे थे, एक बार हमारी ये टेस्ट सीरीज जो है एनएलसैट, एमएचसैट, सीयूटीपीजी, ये तीनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक बार आई वुड से कि ये एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज हम प्रॉब्ली मार्च, मिड मार्च के बाद लॉन्च करें, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है। एंड वी वुड वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन दोज एग्जामिनेशन। अभी तैयारी जो बेसिक आप कर रहे हो वो करते रहो। टेस्ट सीरीज क्योंकि एग्जामिनेशन मई में होने वाला है, तो मार्च में टेस्ट सीरीज आएंगी, तो वो भी बहुत है। हम मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराते हैं एआईटी के लिए, एंड दैट विल ऑल्सो हैपन लेटर। दैट इज इट दैट वी हैड टू शेयर विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कोई क्वेरी डाउट है उसे कॉमेंट बॉक्स में डालो। यूट्यूब पे AIT की जो मेरी वीडियोस हैं वो ज़रूर जाके देखो, एंड इन केस आपको कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है देन यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर जो छोटे छोटे कोर्सेज आपको इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, बीइंग करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, जीके है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आप देख सकते हो एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। एंड मेक श्योर आप फॉलो कर रहे हो हमें फॉर मोर सच वीडियोज, बी इट कॉन्टेंट ऑन योर लॉ एग्जाम्स और रिलेटिंग टू लीगल अवेयरनेस। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब।